हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अरुणास किचन। आज हम बनाएंगे दूध पाक। पहले के समय में, मतलब मेरे बचपन में, कोई भी गेस्ट अगर लंच पे आने वाला हो तो मेनू फिक्स रहता था। दूध पाक, पूरी, आलू की सब्जी या फिर कच्चे केले की सब्जी, कटोर की सब्जी, खमन ढोकला, दाल, राइस, पापड़, अचार, छास। अभी ये मेनू साइड में रह गया है। आज ये मेनू को याद करते हुए हम बनाएंगे दूध पाक। चलिए इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। एक लीटर फुल फैट का दूध, थोड़े से नट्स लिए जिसमें काजू, बादाम और पिस्ता और चारोली ली है। 1/4 कप शुगर, शुगर आप आपकी चॉइस से थोड़ी कम ज्यादा भी ले सकते हैं। 4 टेबलस्पून मिल्क पाउडर, यहाँ पे अगर आपको बिना मिल्क पाउडर के भी ये दूध पाक बनाना है तो वो कैसे बनाना है वो मैं आपको आगे बताऊंगी। 3 टेबलस्पून बासमती राइस को वॉश करके 1 आवर के लिए भिगो के रखा था वो ले लिया है। इलायची का पाउडर, थोड़े से गर्म दूध में केसर को भिगो के रखा था। 1 टेबलस्पून घी। चलिए बना लेते हैं दूध पाक। अभी ये जो दूध है वो रूम टेम्परेचर वाला है, ये जो मिल्क पाउडर है उसमें थोड़ा सा दूध ऐड करेंगे। मिक्स कर लेंगे, अच्छे से इसकी पेस्ट बना लेंगे। मिल्क और मिल्क पाउडर का ये मिक्सचर अच्छे से रेडी हो गया है, अभी इसको साइड में रखेंगे। एक पैन लिए, फ्लेम ऑन किया, घी ऐड करेंगे। घी को सारी जगह पे अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे, पूरी जगह पे फैला लेंगे। जो राइस हमने भिगो के रखे थे वो ऐड कर देंगे। ये राइस को 1-2 मिनट के लिए सेक लेंगे। इस तरह से राइस को रोस्ट करने से इसमें बहुत ही अच्छी अरोमा आती है, राइस एक दूसरे को चिपक नहीं जाते हैं और नीचे पैन में भी दूध जब कुक करेंगे तो चिपक नहीं जाएगा। दूध ऐड कर देंगे। मिक्स कर लेंगे। अभी मिक्सचर को 5 से 6 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। थोड़ी थोड़ी देर के बाद हिलाते रहेंगे। फ्लेम हम मीडियम रखेंगे। जो राइस है वो इस तरह से फूल जाए और एकदम सॉफ्ट हो जाए तब तक हमें दूध को बॉईल करना है। अभी यहाँ पे राइस एकदम फूल गए, एकदम सॉफ्ट हो गए हैं। गैस की फ्लेम स्लो करेंगे। मिल्क पाउडर और मिल्क का जो मिक्सचर है वो ऐड करेंगे। ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे, शुगर ऐड करेंगे, केसर वाला जो दूध रखा था वो भी ऐड कर देंगे। मिक्स कर लेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए इसको कुक कर लेंगे जिससे सारी चीजों का टेस्ट दूध में अच्छे से आ जाए। हिलाते रहेंगे। अभी हमने मिल्क पाउडर डाला है तो इसको कंटिन्यूस हिलाना पड़ेगा। फ्लेम हमने मीडियम रखी है। यहाँ पे अगर आपको मिल्क पाउडर नहीं डालना है तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन उसके बदले में 1/2 लीटर दूध आपको ज्यादा लेना है। दूध को 15-20 मिनट और ज्यादा बॉईल करना है। जितना हमने बॉईल किया उससे 15-20 मिनट ज्यादा देर तक हमें बॉईल करना है जिससे दूध गाढ़ा हो जाएगा। दूध अच्छे से बॉईल हो गया, इलायची का पाउडर डालेंगे, हिला लेंगे। अभी ये दूध की कंसिस्टेंसी परफेक्ट आ गई है, ठंडा होने पर ये ज्यादा गाढ़ा हो जाएगा। गैस की फ्लेम ऑफ कर लेंगे। दूध को एक बाउल में ले लिए और थोड़ा सा ठंडा भी हो गया है, देख सकते हैं आप एकदम गाढ़ा हो गया है। चलिए अभी इसको सर्व कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, रेडी है दूध पाक। देखते ही पीने का मन हो जाए ऐसा लग रहा है ना। तो फ्रेंड्स, एकदम यमी यमी ऐसा हमारा दूध पाक रेडी हो गया है। मेरी भाषा में अगर कहूं तो दूध पाक पीने जलसो थे गयो है। दूध पाक को पूरी के साथ सर्व कर सकते हैं। आपको एज अ डेजर्ट सर्व करना है तो फ्रिज में रख के ठंडा करके भी आप इसे सर्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये दूध पाक आप भी जरूर बनाना, आपके रिव्यूज मुझे जरूर बताना और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना।